अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं एनएसएवी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अब देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी, प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी भी व्यक्ति का जीवन सत्य अहम, धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन ही है। कोरोना वायरस संकट को लेकर आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरी लहर के हम मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में सतर्कता बरतनी होगी। भारत ने अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए रोड मैप पेश किया है, जिसमें हिंसा, आतंकवादी हमलों की समाप्ति, राजनीतिक बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान और पड़ोसी देशों को सुरक्षित करने के कदम शामिल हैं। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा, काबुल का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान की गई हत्या। दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार के स्पिन बॉल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई। अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से उतार कर ही दम लेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बनाए गए माहौल के चलते ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में भी बदलाव की आहट शुरू हो गई। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया। येदियुरप्पा आज शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद आज या कल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। मेरठ के फफूंडा गांव में जमीनी अतिक्रमण को लेकर एक युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। गांव में 12 बीघे तालाब का अस्तित्व खत्म करने का आरोप लगाया। युवती ने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मेरठ गाजियाबाद समेत 5 जिलों की सड़कों पर 175 इलेक्ट्रिक एसी बस सेवा 3 महीने बाद शुरू की जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्वीकृति मिल गई है। प्रियंका गांधी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की अकर्म क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं, जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वे नहीं भूलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। इमरान खान ने कहा, भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सभ्य पड़ोसी बनकर रहें, पर क्या करें, आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।